हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको करेले की कलौंजी या भरवा करेला बताऊंगी, जिसके लिए हमने पहले अपने करेले को कट किया। उसके बीच से हम अपने पूरे बीज को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद मैंने हल्दी लिया है और नमक। हल्दी और नमक हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ऐसे करके हल्दी नमक लगा देंगे हम, और इसे हम 10 से 15 मिनट रख देंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें का निकल सके कड़वापन। ऐसे आप इसके हर चीजों में रख दीजिएगा और बीज में सब में। बाद में रगड़कर इसे हम धो लेंगे। करते हैं कलौंजी का मसाला भूनना। मैंने पहले मेथी भून लिया, उसके बाद हम जीरा डालेंगे और थोड़ी सी धनिया, क्योंकि हमारा करेला कम है। सौंफ, इन सब चीजों को डाल देंगे। हमारे पास राई नहीं थी, तो मैं राई की दाल डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी, एक चम्मच छोटे। अपने मसाले उसी मुताबिक बना लेंगे हम, जितना हमें बनाना है। मैं अभी सौंफ डालूंगी। आप मिर्चा चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर मिर्चा कड़वाहट को और बढ़ा देगा, तो हम थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे। अपनी कसूरी कश्मीरी मिर्च। अब हमारा मसाला भून गया, हम इसमें हींग भी ऐड करेंगे। मसाले अब हम पीस ले रहे हैं। थोड़ा सा इसमें भुना चने का दाल का पाउडर भी डालेंगे हम। मसाले को देखिए पीस लिया है। अजवाइन मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मैंने भून रखा था पहले अजवाइन, उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। पूरा पंचफोरन का मसाला पड़ता है। एक प्याज मैं अब डाल दूंगी इसके अंदर, और अदरक के टुकड़े, लहसुन की कलियां छीलकर इसे भी डालूंगी, और साथ बीज में जो निकाली हूँ उसे धुलकर, इन बीजों को धुलकर इसी के साथ हम ग्राइंड कर देंगे। मैं एक चम्मच अमचूर डाल दे रही हूँ। आपके पास नींबू डालना हो तो आप डाल सकते हैं खटाई के लिए, और आप चाहें तो इसमें इमली के पल्प यूज कर सकते हैं। ये मैं 2 पूरे छीली हूँ, 25 से 30 कलियां हैं, इसे ऐड करूंगी। देखिए, ये हमने धो के डाल दी है बीज करेले के। सब चीजें एक साथ मैं करूंगी, क्योंकि हमारा करेला पूरी तरह स्टफ हो, इसलिए हम बहुत ज्यादा मसाले का यूज कर रहे हैं, जिसमें प्याज, अदरक, करेले के बीज, सब कुछ, नमक वगैरह सब इसमें ग्राइंड कर दिया। बस लहसुन, प्याज, अदरक ग्राइंड करके हम मसाला भरना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा बेसन ली हूँ भुना हुआ चने का, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। एक छोटे चम्मच हल्दी लिया है मैंने। मैं थोड़ा सा इसमें अपने अचार का ऑयल डालूंगी, इससे स्वाद काफी थोड़ा अच्छा हो जाएगा मसाले में। अब हम इसे मैश करेंगे। नमक वगैरह सब मैंने पीसते समय डाल दिया है। थोड़ा मोटा मोटा मसाला करिएगा, बहुत पतला नहीं। पानी डालिएगा बिल्कुल नहीं। पहले ड्राई मसाले पीस के, फिर अदरक, लहसुन और जो हमने मसाले किए थे। अब मैं इसे तैयार करके फिर अपने करेले में पूरी तरह स्टफ कर दूंगी। अब हम अपने मसाले को मिलाकर अच्छी तरह से इसके अंदर भर देंगे। देखिए, मैंने इसे धो दिया है और उसकी कड़वाहट पूरी निकल गई है। आप ऐसे मसाले को डालिए। आप इसके पिछले और आगे के हिस्से काट सकते हैं, पर मैंने इसलिए नहीं काटा कि थोड़ा ये सुंदर लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे होल करेले को हमने रखा है। खाते समय लोग निकाल देंगे, पर पहले मैंने ऐसे ही कर रखा। ऐसे हम अपने
करेले को स्टफ कर देंगे ये। नमक इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि करेले में हल्की कड़वाहट होगी, जो नमक रहेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसमें नमक सब्जी की तरह कम मत यूज कीजिएगा। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। आप करेला बनाते समय अक्सर भारी तले का बर्तन लीजिए। मैं इसमें सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा बाकी सब्जियों के हिसाब से 3 से 4 गुना, क्योंकि करेले में काफी ऑयल लगता है। और मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। और अब हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, मैं धीमे धीमे इसे डाल दूंगी। आप सरसों तेल के अपेक्षा कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सरसों के तेल में थोड़ा करेले की कलौंजी ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया। हमारा पॉट गर्म हो चुका है। मैं इसमें अपनी कलौंजी धीमे धीमे डिप कर दे रही हूँ। और इसे आप हमेशा ऊपर करिएगा मसाले वाले पोर्शन को, और हमें इसे चम्मच से नहीं हिलाना है, थोड़ा सा बाद में टर्न कर देना। इसके लिए पहले मैं इसे कोई हैवी बर्तन या किसी कवर से कवर कर दूंगी। आंच पे हो गए हैं, अब मैं करेले को टर्न करूंगी। इसे हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा करेला हो गया, देखिए भाप से हो गया है। अब मैं इसके मसाले को आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये अंदर चला जाए, क्योंकि पकने पे करेला थोड़ा सा फैल गया है। मैंने इसमें बेसन इसीलिए ऐड किया था ताकि पकने के बाद बेसन को आसानी से बेसन मसालों को बाइंड कर ले। 1 चम्मच ये देखिए, ये हमारे हो गए। ये पकड़ने के लिए इजी रहेगा। और इस तरह देखिए हमारे करेले यहाँ तैयार हो गए। मैं इसको इजीली फोल्ड कर दूंगी। 8 मिनट हो चुके हैं। हम अब अपने करेले को दूसरी साइड मोल्ड कर देंगे। पहले ये देखिए, आप उठाइए और ऐसे। मैंने इसमें बेसन इसीलिए डाला था ताकि इसके मसाले बाहर ना आए। बेसन ने पूरे मसालों को बाइंड कर लिया। 1 चम्मच बेसन ने, देखिए मसाले बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे। अब मैं इसको फिर ऐसे ही करके डाल दूंगी। ये डंठल रखने से यही फायदा हुआ कि ये नेचुरल शेप में है, और आप इससे पकड़ के बिना प्रेस किए आप अपने करेले को पलट सकेंगे। और ये आप पलट कर हम इसे ढक देंगे। फिर 5 से 7 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा करेला किस कंडीशन में। करेला तैयार हो गया है। अब हम इसे पूरा, हमें इस करेले को बनाने में 20 मिनट लग गए देखिए, क्योंकि करेला थोड़ा मोटा, देखिए कितना खूबसूरत पूरी तरह बाइंड कर दिया। मैं इसे किचन टॉवल पे इसलिए निकाल दे रही हूँ या टिश्यू पेपर पे, क्योंकि ये जो हमारे मसाले को है अच्छे से उसके ऑयल को सोक कर ले, एक्स्ट्रा ऑयल। ये हमारा पूरी तरह करेला पक चुका है। मैं अपने प्लेट पे अब सर्व करूंगी। करेले की कलौंजी ऐसी सब्जी है कि आप इसको कहीं बाहर जाएं तो सफर में ले जा सकते हैं, 4-5 दिन तक बाहर खराब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी है। आप टिफिन में भी इसे दे सकते हैं। एक साथ आप करेले की कलौंजी बनाकर
बाहर भी 4 से 5 दिन फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कलौंजी को सर्व कर दिया है प्लेट में, और इसके साथ मैंने जो मसाले में कुछ चीजें यूज की थी जैसे लहसुन, जीरा, अजवाइन, सौंफ, खड़ी धनिया और राई का पाउडर, उसे भी मैंने साथ सर्व कर दिया है, ताकि इन इन चीजों का मैंने यूज किया था ये पता चले। और आप जरूर एक बार ये कलौंजी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा जरूर कि इसमें क्या कमी रही, तब मैं और सुधार कर सकती हूँ। वैसे मैंने ये बहुत डिलीशियस कलौंजी बनाया है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आई रेसिपी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।